नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको PMJJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वहीं PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नाम पर आपके खाते से जो 436+20 यानी 456 रुपए काटे जा रहे हैं, तो इन दोनों योजनाओं से जुड़े हुए दो ऐसे सवाल हैं जिनसे मेरे हर वीडियो का कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है। दोस्तों, मेरे किसी भी वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में चले जाइए, पिछले एक महीने से PMJJBY और PMSBY को लेकर के इतने ज्यादा कमेंट्स हुए हैं कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, तो मुझे वीडियो बना करके उन दोनों सवालों के जवाब देना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को PMJJBY PMSBY के उन दोनों सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आज मिलने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों, उसमें जो पहला सवाल है वो ये है कि हमारे बिना कंसेंट के, बिना हमारी जानकारी के बैंक ने हमारे खाते से PMJJBY PMSBY कैसे कर दिया, और अगर कर दिया है तो उसे हम कैसे बंद करें, उसे बंद करने का ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को PMJJBY और PMSBY पॉलिसी को बंद करने का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके बताने वाला हूं। दोस्तों, तरीके 100% कारगर है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हवाबाजी करके यहां से चला जाऊंगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, अगर आपको मैं जो तरीका बताने वाला हूं PMJJBY PMSBY को बंद करने का, अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हैं और आपके खाते से फिर भी 456 रुपए कट जाते हैं यानी पॉलिसी बंद नहीं होती है, दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में आइएगा, गाली दीजिएगा और चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। मैं आप लोगों को पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो दोस्तों 100% नहीं 200% आपके खाते से दोनों पॉलिसी बंद कर देगा बैंक। और दोस्तों, दूसरा जो सवाल है वो ये है कि अगर हम PMJJBY PMSBY को बंद कर देते तो हमारे खाते से जो भी पैसा कटा है यानी 456 रुपए जो आपके खाते से कटे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो वो पैसा आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो उसका क्या प्रोसेस होगा, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं PMJJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वहीं PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को आप ऑफलाइन तरीके से कैसे बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके लिए सिर्फ एक ही प्रोसेस है, आपको अपनी होम ब्रांच जाना होगा, जिस भी बैंक में आपका खाता है, जहां से आपके पैसे कट रहे हैं उसी बैंक में आपको जाना होगा। दोस्तों, जब वहां पर आपको जाएंगे तो वहां पर आपको शाखा प्रबंधक के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, तो दोस्तों मैं यहां पर आपको बता देता हूं, आप इसे वीडियो को स्लो मोशन में कर लीजिए और आप इस प्रार्थना पत्र को नोट कर लीजिए। दोस्तों, आपको लिखना है सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, उसके बाद आपको बैंक का नाम डाल देना है, जो भी आपका बैंक हो। उदाहरण के लिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर देता हूं, तो यहां पर आपको लिख देना है भारतीय स्टेट बैंक, उसके बाद आपको शाखा का पता लिख देना है कि शाखा आपकी कहां पर है, उसके बाद जनपद का नाम लिख देना है। अब मान लीजिए मैं यहां पर आपको उदाहरण के लिए बता देता हूं कि सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा लाजपत नगर, न्यू दिल्ली, ये आपको लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे लिखना है महोदय निवेदन है कि मेरा बचत खाता आपकी शाखा में संचालित है, जो कि मेरा खाता संख्या 1234, आप अपना खाता संख्या डाल देंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे कि महोदय मेरे खाते में PMJJBY व PMSBY पॉलिसी चल रही है, जिनका प्रीमियम दे पाने में मैं सक्षम नहीं हूं, तो कृपया हमारे खाते से इन दोनों पॉलिसीज को बंद करने का कष्ट करें। इतना लिखने के बाद आपको अपने नीचे हस्ताक्षर कर देना है और उसके नीचे आपको लिख देना है कि महोदय अगर आप इसे बंद नहीं करते हैं तो 30 दिन के बाद मैं RBI के अम्बर्समैन पोर्टल पर कार्यवाही करने के लिए बाध्य होऊंगा। इतना लिख करके आपको अपना हस्ताक्षर करके दिनांक डाल करके एक एप्लीकेशन उन्हें दे देना है, एक कॉपी में आपको उससे रिसीविंग ले लेना है। बस दोस्तों, सेम डे आपके खाते से ये दोनों पॉलिसी बंद कर दी जाएंगी। अगर दोस्तों सेम डे पॉलिसी आपकी बंद नहीं होती है, तब दोस्तों मैं आपको ऑनलाइन तरीका बता देता हूं। ऑनलाइन तरीका यह है दोस्तों कि आपको सबसे पहले तो ऑफलाइन जाना होगा, जो मैंने आपको ऑफलाइन प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि RBI कहता है कि आप हमारे पोर्टल पर तभी आकर के कर सकते हैं जब आपने ऑफलाइन प्रोसेस को अपना लिया हो। तो आपने पहले बैंक में जाना है, एप्लीकेशन देना है, एक वहां से रिसीविंग उनसे ले लेना है। उसके बाद आपको अगर तब भी आपके खाते से पैसे कट जाते हैं या आपके खाते में पॉलिसी चला करती है तो आपको बंद करने के लिए फिर RBI के पोर्टल पर आना है। दोस्तों, इसका वीडियो मैं बना चुका हूं कि आप किसी भी बैंक की कंप्लेन RBI में कैसे कर सकते हैं, वो वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखेगा। दोस्तों, आपको RBI के पोर्टल पर आना है, यहां पर आपको लिख देना है कि महोदय मैंने 30 दिन पहले फला फला बैंक की शाखा में कंप्लेन की थी दोनों पॉलिसी को बंद करने को लेकर के, लेकिन 30 दिन हो गए हैं। दोस्तों, ये शिकायत भी आप 30 दिन के बाद ही कर सकते हैं। RBI कहता है अगर आपने कोई शिकायत बैंक में करी है तो 30 दिन आपको वेट करना होगा, अगर 30 दिन तक बैंक उस पर कोई कार्यवाही नहीं करता है तभी हम यहां से कार्यवाही कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको यहां पर 30 दिन बाद आना है, पोर्टल पर आपको अपनी समस्या लिख देनी है कि मैंने 30 दिन पहले
इस स्टेट को बैंक में जाकर के कंप्लेन की थी, लेकिन बैंक ने अभी तक हमारे खाते से इन पॉलिसीज को बंद नहीं किया है, तो कृपया कार्यवाही करने का कष्ट करें। उसके बाद आपको अपने उस रिसीविंग की जो फोटोकॉपी है आपके पास, जो कागज है, उसे भी अपलोड कर देना है, उसे स्कैन करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, उसे भी अपलोड कर देना है। दोस्तों 7 दिन के अंदर अंदर बैंक जो आरबीआई है वो बैंक को कॉल करेगा या फिर मेल करेगा, उसके माध्यम से बैंक को कहेगा कि आप इनके खाते में जो पॉलिसी चल रही है बंद क्यों नहीं किया, उसका जवाब मांगेगा उनसे। दोस्तों सेम डे ही जिस दिन आरबीआई का मेल या फिर मैसेज के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से बैंक को सूचना दी जाएगी कि फला व्यक्ति ने आरबीआई में कंप्लेन की है इन पॉलिसीज को लेकर के, तो दोस्तों आपको बुला करके तत्काल आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, यानी आपके खाते से दोनों पॉलिसी बंद कर दी जाएंगी और आपको जानकारी दे दी जाएगी कि आपके खाते में दोनों पॉलिसी बंद कर दी गई है। तो दोस्तों ये थे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस जिससे आप अपने पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई पॉलिसी को बंद करा सकते हैं। आपके खाते से कट रहे 456 रुपए आप बंद कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके खाते से 456 रुपए कट चुके हैं जब आपने पॉलिसी को बंद कराया, तो फिर उसके बाद आपका कटा हुआ पैसा आपको रिफंड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पैसा आपके खाते से जो कट चुका है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पैसा बैंक में नहीं होता है, ये पैसा बीमा कंपनी को चला जाता है। तो दोस्तों ये पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा, हाँ आगे से आपके खाते से कोई भी पैसा नहीं कटेगा। बस यहाँ पर इतनी सी बात है कि जब आप क्लोज करा देंगे तो आगे से आपके खाते से तो पैसा नहीं कटेगा, लेकिन जो पैसा कट चुका है वो रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि अगर आपने पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई की पॉलिसी का पैसा आपके खाते से डेबिट हो जाता है तो फिर वो वापिस हो सके, वो किसी भी सूरत में वापिस होने वाला नहीं होता है, बस आगे से आपके खाते से पैसा नहीं कटेगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि जिन लोगों की ये समस्या है वो इस वीडियो को देख करके अपनी समस्या को दूर कर सके। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।